morning friends, now we discuss behavioral geography. It is very important topic in geography. Especially in geography and thought, very important. Let's start now. Background. Okay. Negative reaction to politicism. So negative reaction जो है politicism का वो हो गया है. तो उसके बाद देखेंगे आप, उसके बाद हुआ है theoretical, उसके बाद हुआ है quantitative and only special geometry बहुत importance. So geometry को हमने importance दिया है. तो negative reaction हुआ है politicism का, उसके बाद theoretical theory आया है, उसके बाद quantitative आया है, तो उसके बाद only special geometry जो है got importance पाए geographical space. Geographical space. Geographical space के बारे में हम देखेंगे. जो transferred हुआ है to combination of network point line area और plane. तो क्वेश्चन अब हो रहा है, व्हाट इज द इंप्रेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन मैन्स माइंड एंड थॉट. व्हाट इज द इंप्रेशन, क्या है एनवायरनमेंट का मैन्स माइंड एंड थॉट के बारे में. इसके बाद देखिए, व्हाट इज द रिएक्शन टू एनवायरनमेंट और एंड इंफॉर्मेशन. व्हाट इज द रिएक्शन, क्या है एनवायरनमेंट का और एंड इंफॉर्मेशन. प्रिंसिपल देखेंगे उसके बाद. अंडरस्टैंडिंग क्या करेंगे हम लोग, हम फिर साइकोलॉजिकल प्रोसेस देखेंगे और ह्यूमन एंड इन मैन नेचर रिलेशन के बारे में देखेंगे हम. ओके, साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस है हेल्पिंग करता है क्या ना टू अंडरस्टैंडिंग द परसेप्शन. परसेप्शन तो देखते हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प करते हैं हमें. उसके बाद देखेंगे, परसेप्शन लीड्स टू डिसीजन. डिसीजन परसेप्शन डिसीजन लीड्स टू क्या. देखिए फर्स्टली आप पी डी याद रख सकते हैं, पी डी पी डी एफ अब याद रख सकते हैं पी डी. उसके बाद डिसीजन क्या, परसेप्शन में डिसीजन हो गया, डिसीजन क्या देते हैं बिहेवियर. ठीक है, पी डी भी हो गया तो इंटर्न ऑफ बिहेवियर अफेयर्स नेचर. ओके, अफेयर्स नेचर. तो उसके बाद देखिए मैन यहाँ पर दिया है, मैन मैन के साथ क्या है ना साइकोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर. उसके बाद नेचर देखिए यहाँ पर, नेचर से बिहेवियर लेते हैं, बिहेवियर से होते हैं एंड परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग करते हैं. ओके, और पहले मैन देंगे, उसके बाद उसको साइकोलॉजिकल प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद नेचर यहाँ पर परसेप्शन देखेंगे एंड इसके बाद यहाँ पर बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग. एंड यहाँ पर देखिए फिनोमिनल एनवायरनमेंट मोजाइक. ओके, राइट, परसेप्शन, उसके बाद परसेप्शन. ठीक है, उसके बाद देखिए फिल्टर, कल्चरल, एजुकेशन, बिलीफ्स, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस यहाँ पर देखने को मिलता है. यहाँ पर डिसीजन लेते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्स करते हैं. ओके, तो यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्स टू सिमिलर इवेंट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द कल्चर. कल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं कस्टम्स एंड बिहेवियर. ठीक है, रिस्पॉन्स टू सिमिलर इवेंट्स वेरी डिपेंडिंग ऑफ द कल्चर, कस्टम्स एंड बिलीफ्स. हकल, ये जो सीखे एली हकल जे 1983 में, उन्होंने भी एक डायग्राम दिया है, अब देखिए उन्होंने ज्योग्राफिकल एजुकेशन
रिफ्लेक्शन एंड एक्शन के बारे में बात किया है। देखिए फर्स्ट क्या है ना, रियल वर्ल्ड, उसके बाद इंफॉर्मेशन जाते हैं, उसके बाद परसेप्शन सेंसेस, उसके बाद फिल्टर सेंस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, लैंग्वेज, सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है। उसके बाद इमेज ऑफ रियल वर्ल्ड, वैल्यू सेंस, वैल्यू सेंस होते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं, उसके बाद स्पेशल बिहेवियर देखते हैं, और सर्च फॉर मोर इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन खोजते लेते खोजते हैं ये लॉट से। ओके, तो आपको याद रखने के लिए आपको रियल वर्ल्ड, उसके बाद इंफॉर्मेशन, उसके बाद परसेप्शन सेंसेस, फिल्टर सेल्फ कॉन्शियसनेस, लैंग्वेज सोसाइटी कल्चर, ओके, इमेज रियल, इमेज ऑफ रियल वर्ल्ड, हेलो स्पेस, डिसीजन, स्पेशल बिहेवियर, सर्च फॉर मोर इंफॉर्मेशन। उसके बाद दिखाएंगे वेरियस एनवायरमेंटल एनवायरमेंट इन बिहेवियर अप्रोच, वेरियस बिहेवियर ऑफ एनवायरमेंटल अप्रोच। देखिए फिनोमिनल एनवायरमेंट पहले, पहले मैन, देखिए मैन के बाद बिहेवियरल एनवायरमेंट, उसके बाद पार्सिव एनवायरमेंट, उसके बाद ऑपरेशनल एनवायरमेंट, उसके बाद सोशल एनवायरमेंट, एंड उसके बाद फिनोमिनल एनवायरमेंट, बाहर फिनोमिनल एनवायरमेंट। सो फिनोमिनल एनवायरमेंट यहाँ पर देखिए, फिनोमिनल एनवायरमेंट द सेंसिबल पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, ओके, जो एनवायरमेंट है वो पार्ट ऑफ सेंसिबल एनवायरमेंट, सेंसिबल पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, ओके, हैविंग डायरेक्ट इंटरेक्शन विद मैन, डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, मैन के साथ, ओके। ओके एंड सोशल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, environment is in which man lives and works, operational environment, social environment means environment, in environment, in which environment जहाँ पर man lives करते हैं और काम करते हैं वहाँ पर, ठीक है, social environment। operational environment क्या है, देखिए operational environment जो है more immediate environment in which man lives करते हैं consciously and unconsciously alters करते हैं, ओके, perceived environment, immediately surrounding environment, man is always conscious of it, having constant interaction helps to take decision, behavioral environment, part of perceived environment, having direct control in decision making and controlling behavior, part of perceived environment, you have behavioral environment kya hai, part of passive environment, having direct control in decision making and controlling behavior, to control करते हैं। मेन क्राइटेरिया, मेन क्राइटेरिया, ओके, मेन क्राइटेरिया, एम्स ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर ज्योग्राफी क्या होगा बताइए। देखिए जो बॉल्ज एंड टिमार मार्स ने दिया है 1988 में, तो ये पर क्या है ना, ऑल्टरनेटिव मीन्स, ऑल्टरनेटिव मीन्स कैपेबल ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग बोथ ऑल्टरनेटिव
means capable of interpreting both unscientific quantifiable and non-quantifiable. Okay, quantifiable and non-quantifiable phenomena, not environment. Okay, phenomena, phenomena, environment to be considered as a holistic space. तो यहाँ पर alternative models यहाँ पर देखा है कि जो जो quantitative, जो quantifiable and non-quantifiable phenomena है environment में वो consider क्या करते हैं ना, हम उसको holistic space में देखते हैं, not really real. Okay. ऑब्जेक्टिव एंड क्वान्टिफाइबल स्पेस जो है वहाँ पर रहते हैं, इन विच डू वर्क एंड मेक डिसीजन, काम करते हो अपने डिसीजन लेते हैं. ओके, मैन डू वर्क. ओके, तो मैन काम करते हो ऊपर. सो देखिए, नॉट ओनली स्ट्रक्चरल एनालिसिस of human activities to objective, not only a structural analysis of human activities. Okay. To objective, not only structural analysis of human activities or objectives. Environment emphasis is given on the role of social process. Man not a rational being. Man जो है not a rational being. Okay. Hypotheses are to be made then that address all individual communities and whole society. Individual are active decision maker. Okay. यहाँ पर होल सोसाइटी जो डिसीजन लेते हैं, नॉट पैसिव रिएक्शन रिएक्टर्स टू इंस्टीट्यूशनली, जो पैसिव रिएक्शन नहीं लेते हैं. एंड रिलेटेड स्टिमुली कॉक्स एंड गोल्ड. ओके, 1981 में दिया है इसका. ओके, उसके बाद देखिए इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन न्यू सोर्स टू अवॉइड टू मच जनरलाइजेशन दैट सप्रेस इंडिविजुअल डिसीजन एंड परसेप्शन. इंस्टेड of statistical analysis of data, new methods for analysis for identifying hidden facts of data, linkage to other social science, anthropology, sociology and psychology, etc. Alan Freed, 1967, behavioral matrix के बारे में बात किया है. Ability, यहाँ पर देखिए ability to use incoming information, poor and excellent. यहाँ पर quality of information. Okay. तो यहाँ पर देखिए डीप है बेस्ट डिसीजन. यहाँ पर तो यहाँ पर बेस्ट डिसीजन लिया है और यहाँ पर वर्स्ट डिसीजन लिया है. ठीक है, पोर है ना, यहाँ पर एक्सीलेंस, यहाँ पर एक्सीलेंस, तो इस टाइम में आया है. तो ये हो गया है बिहेवियरल मैट्रिक्स. मैन टेक्स डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस
and knowledge. Not all of us are able to collect all available information. All collection नहीं करते हैं. And information are always by previously followed. Information है previously followed करते हैं. Which process may be predetermined socially and individually. Not always judicious enough. Okay. So not always judicially and enough नहीं होते. Okay. So complete हो गया.